गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल छापा से। बच्चों, आज व्याकरण का पार्ट 6 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं पता है? हर चीज़ का एक अपना नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, जगह हो, या कोई भी वस्तु हो, या लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं संज्ञा, यानी हर किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा नाम, मैं आप सुमन गुप्ता, आपका नाम भी होता है बच्चों, सबका नाम होता है। जैसे ये किताब है, तो इस किताब का नाम है, ठीक है? ये किताब हिंदी वर्णमाला, व्याकरण वर्णमाला। ये स्केल, इसका नाम है स्केल। इसी तरह से आज हम ना यहाँ पर हर चीज़ के नामों के बारे में पढ़ेंगे, किस किस के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है? पार्ट 6 संज्ञा, क्या लिखा है? पार्ट 6 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हर चीज का एक अपना नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? व्यक्तियों के नाम, मैंने बताया था आपको, व्यक्तियों के नाम। या ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? रोहन। क्या नाम है? रोहन। ये लड़की है, इसका नाम क्या है? महिमा। महिमा। ये कौन है? क्या लिखा है? चाचा जी। ये क्या लिखा है? बुआ जी, है ना? हमारे रिश्तों के भी नाम होते हैं, जैसे चाचा जी, नानी, दादी, सबके नाम होते हैं, है ना? हम उनको बुलाते हैं, नानी से, नानी के नाम से बुलाते हैं, दादी को, है ना, दादी बोलते हैं। इससे वस्तुओं के नाम, ये किसके नाम है? वस्तुओं के नाम। क्या लिखा है? मेज। क्या है? मेज। ये वस्तु है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है, और ये क्या थी? लिविंग थिंग्स, है ना? और ये क्या है? कुर्सी। क्या है? कुर्सी। और ये पिक्चर बनी हुई, ये क्या है? फूलदान। तो इन चीज़ों के सबके नाम है, है ना? हम देख के उनके नामों से जानते हैं, ठीक है? और नामों को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब ये क्या है? टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन। नीचे लिखा है फलों के नाम। क्या है? फलों के नाम, जैसे केला, अनार। क्या है ये? अनार। लीची, अंगूर। ये किसके नाम है? फलों के नाम। अब इसी तरह से ये क्या है? सब्जियों के नाम। गाजर। क्या है? गाजर। फिर ये क्या है? बैंगन। ये कौन सी सब्जी है? गोभी। और ये कौन सी सब्जी है? कासी फल। इसी तरह से ये किसके नाम है? पशुओं के नाम, यानी जानवर, एनिमल्स के नाम। क्या है बना हुआ है? ऊंट। ये क्या है? बिल्ली। दिस गाय। और ये कुत्ता। इसी तरह से हम यहाँ पे ये किसके नाम पढ़ेंगे? पक्षियों के नाम। ये किसके नाम है? पक्षियों के। कबूतर, हंस, तोता, बगुला। फिर इसी तरह से ये क्या है? फूल, फूलों के नाम। चमेली, सूरजमुखी, गेंदा, गुड़ैल। इसी तरह से ये हमारे शरीर के अंगों के नाम। ये क्या है? हमारे शरीर के अंगों के नाम। क्या है ये? जीभ, पैर, कान, नाक। और ये हमारे क्या है? आने जाने के साधनों के नाम, यानी हम इनके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यातायात के साधनों के नाम, ठीक है? ट्रक, रिक्शा, कार, हवाई जहाज, ओके? इसी तरह से यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम है, इमारतों के नाम है। क्या है? ताज महल, लाल किला,
स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, तो ये क्या जगह है ना। और अभी हमने ये क्या पढ़े थे, यातायात के साधन के नाम और ये जगह के नाम। तो बच्चों आप अभी देख रहे थे कि हर किसी का एक अपना नाम होता है और नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपके स्कूल का नाम क्या है, नी कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ, ठीक है। आपका नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, आपके पापा का, तो सबके नाम होते और नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ओके, तो अब आपको पता चल गया संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे व्याकरण का, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर राइट निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। नंबर 1, नाम वाले सभी शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था नाम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्या लिखा है, संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा पे हम क्या लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे। ओके, वर्ड पे नहीं लगाएंगे, वर्ड तो क्या है, अक्षर है, लेकिन नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। इसी तरह से हंस व तोता किसके नाम है, हंस व तोता किसके नाम है, किसके नाम है, फूलों के या पक्षियों के, तो किसके नाम है, पक्षियों के। तो पक्षियों के आगे हम क्या लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाओ सही जोड़ी बनाओ, आम केला, गाय बकरी, गाजर आलू, किताब मेज, क्या है, मेज। ये गलती से सा बन गया है, सा नहीं है, ज है, मेज। ओके, तो जैसे आम और केला क्या है, फल, तो हम किसे मिलाएंगे, फल से, ठीक है। फिर इसी से गाय बकरी, गाय बकरी क्या है, पशु, क्या है, पशु, तो हम किसके से मिलाएंगे, पशु से। गाजर और आलू क्या है, सब्जी, क्या है, सब्जी। और किताब और मेज, मेज क्या है, वस्तु, ठीक है, थिंग्स है, जिसमें आप पढ़ते हैं, है ना, मेज पर बैठकर खाना भी खाते हैं कुछ लोग, कुर्सी मेज पर बैठकर, ठीक है। इसी से दो फूलों के नाम लिखो, प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, दो फूलों के नाम लिखो। आप कोई भी दो फूल के नाम लिख सकते हैं, मैंने लिखा है कमल और गुलाब, ठीक है, आप चाहे तो चमेली, गेंदा, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से शरीर के दो अंगों के नाम लिखो, शरीर के दो अंगों के नाम लिखो। तो यहाँ पे हम, मैंने दो अंगों के नाम लिखे हैं, कान, नाक, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, पैर, है ना, मुंह, जीभ, आप हाथ पैर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या फिर हम ये कहेंगे नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। ओके, थैंक यू।